नमस्कार, मैं बॉबी झा, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के बयान पर हेमंत करकरे की बेटी ने तोड़ी चुप्पी। मालेगांव ब्लास्ट में आरोपी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने जिस तरह से मुंबई हमले में शहीद हेमंत करकरे को लेकर विवादित बयान दिया था, उसके बाद आखिरकार करकरे की बेटी ने चुप्पी तोड़ी है। करकरे की शहीद होने के 11 साल के बाद उनकी बेटी का कहना है कि वह चाहती है कि हर कोई इस बात को याद रखे कि मेरे पिता मरते वक्त भी अपने शहर और अपने देश को बचा रहे थे। उन्होंने अपनी ड्यूटी को परिवार और अपनी जिंदगी से ज्यादा महत्व दी है। हेमंत करकरे की बेटी जुई नवारे का कहना है कि उसने मालेगांव ब्लास्ट की आरोपी को भाजपा उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का बयान बड़ा है। जिस तरह से उन्होंने मेरे पिता को लेकर कहा है, मैं उनके बयान की वजह से उनके चर्चा करके उनका कद नहीं पद नहीं बढ़ाना चाहती हूँ, सिर्फ हेमंत करकरे के बारे में बात करना चाहती हूँ। वह मेरे लिए एक प्रेरणा स्रोत है, उनका नाम सम्मान के साथ लेना चाहिए। नवारे ने कहा कि उनके पिता ने सिखाया था कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता, कोई भी धर्म किसी को मारना नहीं सिखाता है। वह इस विचारधारा को हराना चाहते थे। अपने जीवन में उन्होंने हर किसी की मदद की, मरते वक्त भी वह अपने शहर और देश को बचाने में लगे थे। वह अपनी वर्दी को बहुत प्यार करते थे, वह अपनी जान से ज्यादा अपनी ड्यूटी को निभाने पर विश्वास रखते थे। मैं चाहती हूँ कि लोग उन्हें इसी तरह से याद रखें। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।